वेलकम टू पियास वर्ल्ड। आज हम आपको बेसन के लड्डू बनाना बताएंगे। ये बहुत ही आसान है और प्रोटीन रिच है, बहुत फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बेसन का आटा 1 कप, शुगर 1 कप और घी 1 कप। बस सबसे पहले पैन को गर्म करके बेसन के आटे को धीरे धीरे से फ्राई कर ले, अच्छी तरह से भून ले, जलने ना दे। बीच बीच में घी डालते रहे, लगभग 1 कप घी ज़रूरत रहेगी। तो देखिए इस तरह से भुनने से घी कम लगेगा, इसलिए मैंने पहले बेसन का आटा भुन लिया है, उसके बाद में घी। देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे घुटनों का दर्द है वो भी जाएगा, आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 30 से 40 मिनट लगे हैं, 5 मिनट के लिए ठंडा कीजिए, उसके बाद शक्कर का पाउडर मिला लीजिए और बस उसके बाद लड्डू बना दीजिए। बहुत ही आसान है और ये बन के रेडी है। एंजॉय।